हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाला मैसूर पाक की रेसिपी। इस तरीके से आप मैसूर पाक बनाएंगे तो आपका मैसूर पाक भी एकदम बहुत बढ़िया, एकदम मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट बन के तैयार होगा। मैसूर पाक दो तरीक़ों से बनाया जाता है, एक जाली वाला बनता है और एक इस तरीके का घी वाला मैसूर पाक बनता है। तो आज हमने घी वाला मैसूर पाक बनाया है, तो आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है अंदर से, एकदम मुंह में घुल जाने वाला और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और सिर्फ हमने ये तीन चीज़ों से बना के तैयार किया है घर पे। तो चलिए अभी हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इस रक्षाबंधन आप ये मैसूर पाक बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा आपके यहाँ। तो एक पैन रख देंगे गैस पे, अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप यहाँ पे किसी भारी तले की कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। तो एक कोई कप या कटोरी मेज़रमेंट के लिए ले लें, उसी से सारा मेज़रमेंट लें आप। तो मैंने एक कटोरी ले ली है, उसको भर के मैंने बेसन लिया है। तो यहाँ पे ये हमने घर का बेसन लिया है, जो एकदम बारीक वाला बेसन आता है वही लेना है, मोटा वाला बेसन नहीं लेना है हमें। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, हमें कच्चापन निकालना है, इतना भूनना है, लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि ये कहीं नीचे तले में लग ना जाए और अच्छे से भुनना चाहिए पूरा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लगातार चलाते हुए भून रही हूँ, और हाई फ्लेम ना करें, स्लो फ्लेम पे ही भूनें इसको। तो जैसा आपका बेसन का भुनने के बाद कलर आएगा, वैसा ही आपके मैसूर पाक का कलर आएगा। तो आप इसको अच्छे से बेसन का कच्चापन निकलने तक भूनें, भारी तले की कढ़ाई में भूनें, तो ये अच्छे से भुनेगा, जल्दी लगेगा नहीं नीचे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बेसन नीचे से लग जाता है, जल जाता है और कच्चा रह जाता है। तो हमें इसका कच्चापन निकालना है, इतना चलाते हुए इसको भूनना है स्लो फ्लेम पे। हमने इसको भून के तैयार कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। नीचे एक प्लेट लगा ली है और फिर यहाँ पे मैंने एक छलनी रख दी है, उसी में डाल देंगे सारा हम बेसन और इसको छान लेंगे, ताकि जो कोई भी लम्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मैसूर पाक है वो एकदम दानेदार, मुंह में घुल जाने वाला बन के तैयार होगा। क्योंकि अभी हम इसको छान लेंगे तो जो भी गुठले लम्स वगैरह होंगे सब हम इसको साइड में निकाल देंगे। तो बेसन को हमने छान लिया है और आप देखिए ये कैसे गुठले, जो छोटी छोटी गुठलियाँ हैं वो अलग हो गई हैं, इसको हम अलग निकाल देंगे। और अब वापस से क्या करेंगे कि बेसन को उसी पैन में जिसमें हमने भूना था उसी में डाल दिया है। अब यहाँ पे जितना हमने बेसन लिया था उसी से एक कटोरी हमने घी लिया है, जितना बेसन लिया है उतना ही घी लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, हमें पूरा घी नहीं डालना है यहाँ पे, थोड़ा घी डालेंगे और इसको मिलाएंगे। चाहे किसी स्पून से मिला लें या फिर आप किसी विस्कर से भी इसको मिला सकते हैं, इसमें कोई लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको मिला लूँगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा घी और डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो जो हमें इतना इसको मिक्स करना है घी डाल के कि जो पूरा बेसन है पूरा घी एब्जॉर्ब कर ले, अच्छे से मिक्स कर ले, इस तरीके से हमें इसको तैयार करना है। तो फिर से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी घी डाला है और आधा कटोरी घी आगे की प्रोसेस के लिए बचा के रखा है। तो आप चम्मच से भी मिला सकते हैं इसको, बस यही है रीज़न कि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। घी और बेसन मिलके एकदम चिकना सा बैटर बनके तैयार हो जाना चाहिए, ऐसे हमें इसको बनाना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आधा कटोरी का घी यहाँ पे यूज़ किया है, आधा कटोरी घी रख दिया है
और बेसन आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भुना है, और इसका कलर देख सकते हैं यही कलर हमारे मैसूर पाक का आएगा। अगर बेसन बहुत ज़्यादा भुन जाएगा तो थोड़ा डार्क कलर आएगा आपके मैसूर पाक का। घी आप अच्छा घी लें, ज़्यादा दिन का रखा हुआ घी नहीं लें, वरना क्या होता है कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसमें वो घी का अजीब सा टेस्ट आने लगता है। तो आप देख सकते हैं एकदम चिकना बैटर बन गया है। अब मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे, और जितना हमने बेसन लिया था, जितना हमने घी लिया था, उसी से एक कटोरी हम चीनी लेंगे और आधा कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसको घुलने तक पकाएंगे चलाते हुए। यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए तार, हम थोड़ा सा चाशनी लेंगे और ऐसे नापेंगे। तो ये देखिए एक तार की चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम एकदम स्लो रख देंगे। आगे का प्रोसेस हम पूरा स्लो फ्लेम पे करेंगे, और जो हमने बेसन और घी घोल के रखा था वो मैं एक हाथ से डालती जा रही हूँ और एक हाथ से चलाती जा रही हूँ, ताकि क्या है कि कोई लम्स गुठले वगैरह नहीं बनेंगे। जो हमारा मैसूर पाक है बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर का बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं एक हाथ से मैं डाल रही हूँ और एक हाथ से चला रही हूँ। और यहाँ पे आप याद रखें कि आपको जो है गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, आगे का प्रोसेस हमें पूरा स्लो फ्लेम पे ही करना है। जब आप चाशनी बनाएं तब आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्लो फ्लेम कर दें। तो यहाँ पे जो बचा हुआ आधा कटोरी घी था उसमें से मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, और इसको जब तक चलाएंगे कि जब तक घी और बेसन अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए हैं, फिर से यहाँ पे मैं 3 चम्मच घी डाल दूंगी और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो आपको ये हर ट्रिक से फॉलो करके मैसूर पाक बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया मैसूर पाक बना के तैयार होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका ये मैसूर पाक। और सब लोग काफ़ी तारीफ़ करेंगे कि आप मार्केट से लाए हैं कि आपने घर पे बनाया है। बहुत ही अच्छा मैसूर पाक बन के तैयार होता है। अब मैं फिर से इसमें घी डाल दूंगी। 4 से 5 बार में मैंने घी डाला है, और फिर से इसको मिक्स करेंगे। एकदम से पूरा घी नहीं डालना है, 3-3 चम्मच करके या 2-2 चम्मच करके हमें घी डालना है, फिर अच्छे से मिलाना है, फिर से घी डालना है, फिर अच्छे से मिलाना है कि बेसन और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे फिर से मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे बेसन में। तो बेसन, चाशनी, घी एकदम अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, साइड्स को छुड़ा लेंगे, साइड से भी स्क्रैच करते जाएंगे क्योंकि साइड में बेसन वगैरह चिपक रहा है थोड़ा सा। तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि घी बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए, और बेसन, चाशनी और घी मिलके बढ़िया सा बैटर बनके हमारा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए घी एकदम बेसन चाशनी ने पी लिया है, और बैटर भी हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी यही पहचान है कि ये अच्छे से पक जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे, तभी हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बन गया है, जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो वो जो आधा कटोरी घी था वो मैंने पूरा यूज़ कर लिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में, काफ़ी गर्म है तो सावधानी से लें, थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ पे और इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए एक गोली सी बन के तैयार हो रही है, तो मतलब बैटर हमारा जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। एक कोई प्लेट ले लें, मैंने यहाँ पे केक टिन ले ली थी जिसमें ढोकला वगैरह बनाती हूँ और केक वगैरह बनाती हूँ, उसको ग्रीस कर लिया था घी से, और उसमें जो बैटर हमने बना के रखा है मैसूर पाक का वो सारा डाल दिया है। तो ये स्टेप थोड़ा जल्दी करें
और आराम से करें, क्योंकि कढ़ाई इस टाइम पे बहुत गर्म होगी तो आप कहीं जल ना जाएं। आप इसको आधा कटोरी घी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा एक कटोरी घी का यूज़ किया है। और थोड़ा सा स्पून में क्या करेंगे, घी लगा लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि ऊपर का जो है चिकना हो जाए। अब हमने इसको एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था और अब ये सेट हो गया है, तो हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसको कम घी में भी बना सकते हैं, आधी कटोरी घी में भी बना सकते हैं, आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल का या वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने काट ली है पीसेस में, अब इसको पलट देंगे थाली में, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप देखिए बहुत बढ़िया मैसूर पाक बन के तैयार हुआ है। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।